नमस्कार। श्लोक क्रमांक 38, अध्याय 1। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हिंदी भावार्थ, श्लोक क्रमांक 38। यद्यपि लोभ से ग्रस्त चित्त वाले इन योद्धाओं को अपने परिजनों को मारने या मित्रों से द्रोह करने का पाप न दिख रहा हो। श्लोक क्रमांक 39। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तुतम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, श्लोक क्रमांक 39। तो भी हे जनार्दन, हमें कुल नाश का घोर परिणाम स्पष्ट रूप से दिख रहा हो तो इस पाप से बचने की भावना जागृत हुए बगैर कैसे रह सकती है। श्लोक क्रमांक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। हिंदी भावार्थ, श्लोक क्रमांक 40। कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है।